हेलो गाइस, हेलो मेरे प्यारे बच्चों बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है जिसका नंबर है, वर्कशीट नंबर है 83। 83 वर्कशीट है, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। बच्चों ये वर्कशीट है, ये 6th क्लास से 8th क्लास के बच्चों के लिए ये है वर्कशीट है। आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। जैसे कि आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वर्कशीट का वो क्या है, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इस जो है डायग्राम को दिखा के। पहला क्या है, यह चित्र आपको किसकी याद दिला रहा है, सोच कर लिखिए। जो ये चित्र है आपको ये किसकी याद दिला रहा है, आपको ये क्या है, हमें अपने विद्यालय की याद दिला रहा है। किसकी दिला रहा है याद, विद्यालय की। ये हमें अपने विद्यालय की, अपने स्कूल की, अपने स्कूल की या स्कूल की हमको ये याद दिला रहा है, ठीक है ना। हर बच्चा अब जैसे लॉकडाउन हो रहा है, अब जो हर बच्चा क्या है अपने घर पर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको अपने स्कूल की, अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही है। लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, ये कोरोना चल ही ऐसा रहा है कि हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमें अपने स्कूल की याद दिला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है। आपका जो भी विद्यालय का नाम हो, जैसे मैं बोल सकती हूँ मेरे विद्यालय का नाम है मनी बैन, ठीक है ना, मनी बैन राजकीय स्कूल, ठीक है ना। कोई लिख सकता है अरवाचीन, जिसका भी जो नाम हो, लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, या जो जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वो अपना नाम यहाँ पे आपको फुल, वो नाम आपको पूरा नाम फुल फॉर्म में वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विद्यालय की, ठीक है ना, विद्यालय की कौन कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों। जो आपका विद्यालय है आपको सबसे प्यारी क्या लगती है, आपको सबसे प्यारी जो आपकी विद्यालय की जो आप जगह है आपको अपनी कक्षा लगती होगी, आपको अपनी कक्षा का रूम अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ आपको क्या है अपने सारे दोस्त, अपने सारे सहपाठी आपको मिलते हैं और वहाँ पर आप बैठ के पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं, तो ठीक है ना। क्या होगा, कक्षा रूम, क्या होगा, कक्षा रूम। दूसरा क्या है आपका, मैदान रूम। जो आपका मैदान है आपका क्या है, मैदान, वहाँ वो भी आपको बहुत अच्छा लगता होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको आप बच्चों के साथ आपस में मिलकर खेलते हैं, ठीक है ना। और आप लाइब्रेरी भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आप लाइब्रेरी भी लिख सकते हैं, वहाँ पे बैठ के आप अपनी मनपसंद जो है बुक पढ़ते हैं, आप पढ़ाई के अलावा भी क्या है अपनी मनोरंजन बुक भी आप पढ़ते हैं, तो आपकी मर्जी है आप जो भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कैंटीन भी लिख सकते हैं, कैंटीन में जब आप मिलके सब बच्चों के साथ आप खाना खाते हैं वो भी आपको क्या है बहुत अच्छा लगता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर कुछ दिनों के बाद आपका विद्यालय आपके लिए खुल जाए, जैसे मतलब सोच रहे हैं कि खुले, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, सोच कर बताइए, ठीक है ना। आजकल जो कोरोना काल चल रहा है तो हमें क्या है, सबसे पहले तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब हम सट सट के ना बैठें, हम थोड़ी दूरी बनाएं, दो गज की दूरी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जो कहते हैं 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, तो जो है 2 गज की दूरी या कोई भी जो बोलता है आपके पेरेंट्स कोई भी, ठीक है, 2 गज की दूरी मतलब थोड़ा फासला रखें, ठीक है ना। अपने हाथों को हमेशा जब भी आप कुछ ऐसी वस्तु को छुएं कि आपको लगे कि ये किसी और की है या इसमें आपको लगे कुछ, तो आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं, अपने आप को सैनिटाइज़ कर सकते हैं अपने हाथों को, ठीक है ना। और आप मास्क, सबसे इम्पोर्टेंट जो है मास्क हमेशा लगा के रखना है आपको मास्क, ठीक है ना, आपको मास्क जो है हमेशा लगा के रखना है, ये वाला मास्क, ये ही हमें कोरोना से बचाएगा, ठीक है ना। मास्क लगाना है, हमें गंदगी इकट्ठी नहीं होने देनी है अपने स्कूल में, ठीक है ना, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अपने मित्र से बात करके लिखिए कि विद्यालय को साफ स्वच्छ और सुंदर रखने में आप तथा आपका मित्र क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या सहयोग कर सकते हैं, जो आपका जो क्लास में या कहीं भी जो कूड़ा होता है, ठीक है ना, जो कूड़ा होता है उसको कहाँ डालें, आप डस्टबिन में डालें, कूड़ेदान में डालें, कहाँ डालें, कूड़ेदान में डालें, ठीक है ना, कहाँ डालें आप, कूड़ेदान में, हमें, ठीक है ना,
हमें जो जो ऐसा भी कूड़ा होता है हमको हमेशा कूड़ेदान, जिसको हम डस्टबिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम डस्टबिन, अधिकतर बच्चों को डस्टबिन पता होगा, डस्टबिन में हम हमेशा डालें, ठीक है ना। और आप ये ध्यान रखें कि लंच होने के बाद, आप खाना खाने के बाद रिसेस में क्या है, आपकी टेबल जो है बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। क्या है, टेबल आपकी साफ़ होनी चाहिए, आपको साफ़ कर देनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, आपको कहीं पे भी जो स्कूल की जो दीवारें होती हैं, स्कूल की जो दीवार होती है उसको गंदा ना करें, दीवार को गंदा ना करें, ठीक है ना। हमें स्कूल की दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए। हम कहीं पे भी, जैसे कई बच्चे होते हैं कहीं पे भी कुछ लिख देते हैं, तो हमें नहीं लिखना चाहिए। हमें अगर हम देख रहे हैं कि कहीं ग्राउंड में कुछ कूड़ा या कुछ कागज़ पड़ा है, तो हम दूसरों का इंतज़ार ना करें कि दूसरा उठा के डालेगा, हमें खुद उसको उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें देखा देखी और लोग भी आएंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो बच्चे ये आपकी आज की वर्कशीट है, ठीक है बच्चों अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है कुछ भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कुछ भी। तो मैं आपकी जो आपको पूछ रही है, मैं पूरी हद तक आपकी कोशिश करूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। बेटा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल और आपका चैनल भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। एसआर लर्निंग, हमारे जो चैनल का नाम है एसआर लर्निंग है, प्लीज़ उसको जाके अभी आप सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे आगे वर्कशीट में।